हेलो नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस OTT के इस लेटेस्ट सीज़न में हमें अभी देखने को मिला कि अरमान मलिक ने हाथ उठा दिया और हाथ जो उठाया वो इस लिए उठाया कि कहीं ना कहीं विशाल ने उनकी वाइफ को लेकर के कुछ बातें कही जो कि विशाल को पसंद नहीं आया। और विशाल का कहना ये था कि मैंने उस इंटेंशन से वो सब नहीं कहा जिस इंटेंशन से अरमान मलिक सोच रहे हैं। और ये जब हुआ तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन होते होते अरमान मलिक ने विशाल पे हाथ उठा दिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी काफ़ी कुछ मीटिंग्स ली, दो तीन लोगों को घर के अपने आप के कह सकते कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया, वहाँ पे कुछ उनसे बातें की कि हाँ भाई एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अरमान मलिक उस समय तक हाथ उठा बैठे थे तो वहाँ पे बिग बॉस ने तो कोई एक्शन नहीं लिया अरमान पे, जो कि मुझे लगा कि मतलब ये क्या ड्रामा है। इस पे एक्शन तो होना चाहिए था। देखिए बिग बॉस गेम ही ऐसी है, आपको कोई कुछ कहे फर्बली, कोई कुछ कहे उकसाए या फिर जो मर्जी हो, लेकिन जब आपने किसी पे हाथ उठा दिया तो वो बिग बॉस के रूल्स का जो है वायलेशन उसमें हो गया है। अब आपको घर से बाहर निकालना बिग बॉस के रूल्स में अगर है तो आपको वो करना चाहिए। इसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बिग बॉस को भी पता है कि ड्रामा कहीं ना कहीं अरमान मलिक से निकलना है। तो अगर हमने ड्रामा अभी ही ख़त्म कर दिया तो आगे आने वाले टाइम में हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जब अनिल कपूर सभी घर वालों से पूछते हैं कि हाँ भाई आपको क्या कहना है इस बात पर, आपको क्या कहना है, तो वहाँ पर सभी सेम सा ओपिनियन देते हैं। लेकिन निजी, हाँ, जिनका ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट रहता है, निजी कहते हैं कि भाई हाँ अगर इसने ये हरकत की हाथ उठाया तो भाई उसे बाहर जाना चाहिए बिग बॉस के रूल्स के हिसाब से। अब इस बात को लेकर के निजी पे भी अरमान मलिक कहीं ना कहीं अपनी बातें थोपने लगे और कहने लगे कि तुम्हें ऐसा कैसे लगता है कि बाहर जाना चाहिए, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता तो तुम तब क्या कहते, तो ये बातें। लेकिन नेजी ने वहाँ पे भी स्टैंड लिया और अरमान मलिक को कहीं ना कहीं चुप भी करवा दिया कि भाई ये मेरा ओपिनियन है और जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने कह दिया है, अब इस पे तुम सवाल मत उठाओ। तुमने किसी कंटेस्टेंट पे हाथ उठा लिया क्योंकि उस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं था। तो कहीं ना कहीं अरमान मलिक नेजी पे भी अपने सवाल उठाने लगे, लेकिन नेजी ने टाइम रहते ही अरमान को चुप करवा दिया। जहाँ तक मुझे लगता है अरमान कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए या काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो गए, उनसे अरमान मलिक से अपना गुस्सा कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हुआ और उसी की चिढ़ में वो नेजी को भी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते थे कि नेजी तुमने गलत किया। लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं नेजी ने शांत करा दिया और अरमान मलिक को कहीं ना कहीं चुप होना पड़ा। तो ये तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि नेजी गेम में काफ़ी आगे जाने वाला है और नेजी ने जिस तरीके का स्टैंड अपना रखा है शो में उसे ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो लेकिन नेजी को जो फील होता है, जो लगता है, नेजी वो बोलता है और वो दिखता भी है। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।